सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा किडनी की बीमारियां, बहुत बढ़ गई है किडनी की बीमारियां और किडनी फेलियर के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है और कितने प्रकार की बीमारी होती है, किडनी क्या होती है, किडनी का काम क्या है, पता है आपको? मैं बता रहा हूं आपको, बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं किडनी की बीमारियों के बारे में। और पहले मैं अपने आप को सेट कर लूं, ये मैं भी अच्छा दिख रहा हूं। आपकी किडनी को सुधारना है, इस जानकारी को इतना ज्यादा शेयर करना कि हर किडनी के मरीज के पास पहुंच जाए। बहुत आसान शब्दों में किडनी क्या होती है, एक बीन्स खाए थे हमने, छोटी सी जो बीन्स आती थी इतनी बड़ी बड़ी, उसी शेप की होती है बीन्स। बीन्स शेप की होती है किडनी। दो किडनी होती है, एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं जो पेशाब बनाने का काम करते हैं। खून को छानकर बॉडी पेशाब बनाती है और यही पेशाब बाहर निकलता है सोडियम क्लोरीन और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए यूरिन बनाया जाता है। अब हम लोग बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ जाते हैं और बैठे बैठे काम करते हैं और ये प्रोसेस चलते रहती दिन भर। और होता क्या है कि यूरिन आती भी है जाते नहीं है, तो आजकल जो वर्किंग पर्सन हैं उनको भी बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है ये सारी बीमारियां किस वजह से हो रही है? एक्टिविटी की वजह से। हमारी एक तो एक्टिविटी डल है, दूसरा पहले मैं कारण बता रहा हूं किडनी की बीमारी के। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है पेशाब बनाना, खून से छानकर पेशाब बना जाता है ग्लोमेरुलस में, ये होते हैं नेफ्रॉन में। किडनी में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं जो किडनी का ओरिजिनल फंक्शनिंग करते हैं, किडनी में यूरिन बनाते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये एक किडनी में 10 से 11 लाख नेफ्रॉन होते हैं और किडनी का पूरा काम ही है ब्लड के लेवल में इक्विलिब्रियम रखना, ब्लड के लेवल में जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंस करना। अब किडनी इधर, एक इधर है एक इधर है, दो साइज कितना होता है, 9.5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे लंबाई में और चौड़ाई में 3.5 से 4 सेंटीमीटर के आसपास, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए मैक्सिमम, वेरी करता है। हमको यहाँ लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, हमें यहाँ जानना है कि बीमारियां कौन कौन सी होती है कॉमनली, बहुत कॉमन जानकारी। तो पहली बीमारी जो होती है वो होती है क्रॉनिक किडनी डिसीज। पहले कॉज पे जाते हैं, कॉज क्या क्या होते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकर हैं, यदि आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने वाले हैं, आपको सेल्फ मेडिकेशन करना अच्छा लगता है, खुद से दवाई खाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, किडनी में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया है, आपको डायबिटीज हो गई है या किडनी की और कोई बीमारी जो जन्मजात है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और खान पान बहुत सिस्टम गड़बड़ है, यूरिन आती है जाते नहीं, रोक के रखते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं किडनी के डैमेज होने के। किडनी की बीमारी कितने प्रकार की होती है, चलिए शुरू कर रहा हूं वीडियो। किडनी की बीमारी सबसे पहली जो बीमारी है वो है क्रॉनिक किडनी डिसीज, धीरे धीरे होने वाली कंडीशन जिसमें आपकी किडनी धीरे 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 डैमेज हो रही है, क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD। और धीरे धीरे किडनी का फंक्शन कम होते जा रहा है, किडनी की यूरिन यानी पेशाब बनाने की क्षमता कम होते जा रही है और किडनी डैमेज हो रही है। किडनी कैसे डैमेज होती है उस बारे में भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्रिएटिनिन क्या होता है उस बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत सारी बातें करेंगे, पूरा मेडिकल साइंस के तगड़े वीडियोस आने वाले हैं, तो देखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खराब लगता है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन मुझे पता है आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और आप शेयर भी करेंगे, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा यदि बार बार देखना चाहते हैं। दूसरी बीमारी है किडनी में पथरी यानी स्टोन होने की। पता है क्यों होता है स्टोन? यदि मैं बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठ के काम करूं और मूवमेंट मेरा बिल्कुल ना हो,
तो किडनी में स्टोन बन सकता है। किडनी में स्टोन तब बन सकता है जब आप हैवी ड्रिंकर हैं। किडनी में स्टोन तब बन सकता है जब आपकी बाहर खान पान की आदत है। किडनी में स्टोन तब बन सकता है जब आप किसी तरह की मेडिसिन लगातार खाते आ रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। किडनी में स्टोन तब बन सकता है जब हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो, आपकी बॉडी में कैल्सियम बहुत ज्यादा मात्रा में हो। किडनी में स्टोन तब भी बन सकता है जब आप विटामिन डी का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं और कैल्सियम ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से किडनी में कैल्सियम के स्टोन बनने के, फॉस्फेट के स्टोन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ये पथरी बनती है जिसको बोलते हैं किडनी में पथरी। अगली जो बीमारी है, हम इन सभी चीजों को एक्स्ट्रा अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ बीमारी के बारे में बात करें। कितने प्रकार की बीमारी होती है, पहले हम सभी अंगों में पाई जाने वाली बीमारी को एक के बाद एक पूरे वीडियोस में जान लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या टेस्ट होते हैं, बीमारी कैसे पकड़ते हैं डॉक्टर्स, और आप कैसे समझेंगे। अवेयरनेस के लिए वीडियो है, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। तीसरी बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी में, मैंने बताया, एक किडनी में 10 से 11 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं, ये छानते हैं खून में से यूरिन बनाते हैं। तो जो नेफ्रॉन खून में से यूरिन बनाता है, उसकी जो मेन फंक्शनिंग यूनिट होती है, ऐसे ऐसे डब्बे जैसा होता है, आधा अर्धचंद्राकार, वो ऐसे राउंड शेप, उसका फोटो में लगा के दूंगा, तो वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। वहां एक गुच्छा रहता है ब्लड सप्लाई का, आने वाली ब्लड सप्लाई और जाने वाली ब्लड सप्लाई, और बीच में गुच्छा। प्रेशर की वजह से ब्लड छनता है, पानी बनता है पेशाब के रूप में, और वापस ब्लड वापस भी निकल जाता है। ऐसा एक किडनी में 11 लाख नेफ्रॉन से होता है, दूसरी किडनी में 11 लाख, 10 से 11 लाख, कम से कम 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं दो किडनी मिला के। ये 20 लाख छोटी छोटी किडनियों के रूप में काम करते हैं, छोटी छोटी फंक्शंस करते हैं और पेशाब बनाते हैं। अभी पेशाब जो बना रहे हैं नेफ्रॉन, उसके साथ एक समस्या ये आती है कि यदि धीरे धीरे ये डैमेज हो रहा है, या आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपकी कोई मेडिसिन की वजह से इनटेक की हिस्ट्री हो गई, तो इस वजह से नेफ्रॉन डैमेज होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन तो कौन सा भाग, वही भाग जो छनने का काम करता है, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का 10 लाख राइट में, 10 लाख लेफ्ट किडनी में, इनमें से इनकी संख्या डैमेज हुई, कोई वायरल इंफेक्शन हुआ, कोई मेडिसिन का इफेक्ट हुआ, कोई साइड इफेक्ट हुआ, कोई किसी को डायबिटीज है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये नेफ्रॉन डैमेज हो गए, इन्फ्लामेशन हुआ। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। तो ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और धीरे धीरे ये भी रीनल डैमेज की तरफ जाता है, किडनी डिजीज आगे बढ़ती है और किडनी फेलियर पे जाता है। अगली बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जो आपको थंबनेल पे फोटो दिख रहा है, उसमें एक नॉर्मल किडनी का फोटो और एक है पॉलीसिस्टिक किडनी का फोटो। रेयर डिजीज होती है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत ही कम केसेस, 1000 या 10000 में एक को होता है, 10000 का आंकड़ा है शायद, 10000 में एक को ये केस होता है, तो इसके बारे में सोचना बंद करिए। एकाध सिस्ट किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, खाली 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 स्पेस जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ऐसे रेयर केसेस होते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यह है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन होता है बार बार। यूरिन इन्फेक्शन यदि आपको हो रहा है तो भी ये भी किडनी की बीमारी है, क्योंकि किडनी यूरिन बना रही है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रही है, तो आपको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब निकलने की जगह, पेशाब निकलने की जगह, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब निकलने की जगह में इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, यदि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गया है तो भी आपको हो सकता है, क्योंकि शुगर ज्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। इन्फेक्शन होने का मेन कारण यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस है, यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस है। अब ये जो शब्द मैं ये बोल रहा हूं, इसको भी किसी एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। कैसे पता करते हैं किडनी की बीमारियां, ये सब कॉमन बीमारियां थी किडनी की, ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां किडनी में होती है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। कुछ होती है जिसमें आपको होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपको मालूम है डॉक्टर साहब डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनी डायबिटीज की वजह से इसके नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। एक और बीमारी ज्यादातर देखा गया है गांवों में, बहुत मिलती थी पहले, किसी को मलेरिया हुआ और किडनी के नेफ्रॉन डैमेज हो गए, उसका रीनल फंक्शन डैमेज हो गया और पेशेंट किडनी की बीमारी पे चला जाता है और किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाती है। पूरी तरह डैमेज होने वाली किडनी को बोलते हैं क्रोनिक
किडनी डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज आखिरी में जाके चेंज होती है फाइनली में क्रॉनिक रीनल फेलियर. दिस इज कॉल्ड CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर. एक होता है ARF, एक्यूट रीनल फेलियर. अभी इन्फेक्शन हुआ, हैवी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन थोड़े दिन में 10 से 15 दिन में बॉडी ठीक हो गई 100% करेक्ट. लेकिन यदि ये बार बार होता रहा, कोई बीमारी बार बार चलती रही, डायबिटीज आपको बार बार चलता रहा, हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है, या रीनल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई आपकी किडनी के अंदर जाती है उसका डायमीटर कम हो जाए, तो भी आपको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ हो जाए. और ज्यादातर होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से. क्या होता है इसके बारे में बताता हूं. जो आर्टरी किडनी को जाती है, जो खून की नली किडनी को ब्लड लेके जाती है, यदि वो सिकुड़ी हुई रहे तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा. तो ये एक कॉज होता है रीनल हाइपरटेंशन का, मतलब किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. तो ये रीजन होता है रीनल हाइपरटेंशन का. तो ये रीनल हाइपरटेंशन भी कॉज करता है किडनी की डिसीजेस, किडनी के लिए केवल लेवल पे हाइपरटेंशन. तो इतने प्रकार की हो गई किडनी की बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिसीज, एक्यूट किडनी डिसीज यानी CKD, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं, किडनी का स्टोन होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं. कैसे पता करते हैं इन सब चीजों को? ग्लोमेरुलर आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है. तो इनको कैसे पता करते हैं? इनको पता करने का तरीका क्या है? सीधा सा तरीका है, यूरिन टेस्ट कराते हैं. सबसे पहले यूरिन टेस्ट में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलता है, कास्ट मिलती है, एपिथेलियल सेल्स मिलता है, कोई पस सेल्स मिलती है, आपको समझ में आता है कि डॉक्टर समझ लेते हैं कि ये इसमें इन्फेक्शन आ रहा है. अब ये UTI बार बार हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो, पेशाब में जलन आ रही है या पेशाब कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं. उसके बाद देखते हैं यूरिन का सैंपलिंग के बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC, ESR, HB%, ये सब देखा जाता है. आपका किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं होता नहीं है, ये देखा जाता है. इसके साथ में आपको सोनोग्राफी कराई जाती है, किडनी का साइज कैसा है वो देखा जाता है, रीनोग्राम कराए जाते हैं, मल्टीपल एक्सरेज होते हैं. तो अलग अलग पैटर्न है, MRI होती है, CT scan होता है अकॉर्डिंग टू द केस, और साथ में सीरम क्रिएटिनिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, टोटल 24 आवर प्रोटीन, ये सारी चीज देखने के बाद कंफर्मेशन होता है कि किस तरह की बीमारी. शुगर टेस्ट होता है, HbA1c, खाली पेट का शुगर, खाना खाने के बाद का शुगर, इस बारे में डिस्कस करूंगा कौन कौन से टेस्ट कब कब कराए जाते हैं. लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बताया कि किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है और कैसे शुरू होती है. तो लाइफस्टाइल सुधारिए, ठीक ठाक पानी की पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी आपका रेगुलर होता है उसको पीजिए, और बहुत ज्यादा पानी पीने की भी जरूरत नहीं है. पेय पदार्थों को, बाहरी पेय पदार्थों को बंद कीजिए. ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने पानी की डिमांड को फ्रूट्स या उसके जूसेस से पूरा कीजिए. घर में दूध है, दही है, पानी है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जिसको आप ले सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, और हार्ड ड्रिंक भी, मैं जिसको बोल रहा हूँ, दारू नहीं पीना है, दारू खराब करेगी किडनी. पूरे देश में सबसे ज्यादा केस दारू की वजह से खराब हो रही है किडनी, तो वो बंद करो भाई. अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये ले जा लेगा तो किस किस लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट कहां से करवाओगे पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा. और पूरी जिंदगी में जो पैसा कमाया है सब खर्च हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से मिलती है किडनी, डोनर भी नहीं मिल पाते हैं. तो इसीलिए अभी से अपने आप को बताइए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हेल्थ को बचाए रखिए, हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है. आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ना पसंद आया होगा तो भी एक बार फिर से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और बहुत सामान्य तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको. ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है. तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन हिट कर लेना. वीडियो बहुत सारे हैं, नॉलेज बहुत सारा है, एनर्जी बढ़ाते जाओ, मैं भी एनर्जी बढ़ाते जाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.